हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल माय वंशा मोटर गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से राइड पे, संडे राइड। इट्स अ ब्रेकफास्ट राइड। अभी बजे है सुबह के 9:07 और टेम्परेचर है अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगी है, फुल गियर हो चुका हूँ मैं। और अभी हमारा जो मेकअप पॉइंट है ना, वो होने वाला है इंदौर से मातापुर का। गुड मॉर्निंग, क्या बोलते? कितना टाइम हो गया आगे? तो हाँ, तो गाइस यू कैन सी अराउंड 50 से 60 बाइक्स यहाँ पे है और सभी एक से बढ़कर एक बाइक। अरे क्या बोलते, ब्लॉगर हाय, ब्लॉग चालू है। एंड गाइस यू कैन सी निंजा 1000 भी यहाँ पे है। तो आज तो काफ़ी मज़ा आने वाला है बॉस। और मैंने सुना है टाइगर भी यहाँ पे अपने को मिलने वाली है, ट्रैम टाइगर। अरे मोटो व्लॉगर इन द हाउस, क्या बोलते भाई? हे गाइस, जैसा भी हम लोग मीटअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी आधे करीबन 15 से 20 मिनट में आगे में निकलेंगे। तो अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। आज हम लोग जाने वाले हैं टाइगर सिटी रिजॉर्ट पे और यहाँ पे आप मेरे चारों साइड पे देख सकते हैं अराउंड हंड्रेड्स ऑफ बाइकर्स यहाँ पे है। एंड यू कैन सी पीछे पीयूष भाई। तो पीयूष भाई को पैसा ना नहीं देखा होगा तो पल्सर वाला वीडियो देखो, पल्सर 125 वाला, और बहुत सारे वीडियो में भाई अपने साथ आया हुआ है। कंग्रेचुलेशन भाई को 8000 सब्सक्राइबर के लिए। कल ही कंप्लीट हुए अपने 8000 सब्सक्राइबर। तो देखा होगा आपने मेरे चारों साइड में कितनी सारी बाइक्स लगी हुई है। और अभी जब हम लोग इतने बंदे एक साथ आगे में निकलेंगे तो क्या रोड प्रेजेंस रहेगा बॉस, मज़ा आ जाएगा। एंड हाँ गाइस, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। एक्चुअली ये वाली जो राइड है ये स्पेशली शार्दुल ने एंड शार्दुल के जो फ्रेंड है डॉक्टर अमित सर, तो उन्होंने मिलकर प्लान की है। और स्पेसिफिक कैसा होता है ना, नागपुर में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, नेम एज मोटोफिलिया। तो पिछले साल मोटोफिलिया का इवेंट हुआ था, उसके बाद में गाइस इस साल भी ये इवेंट होने वाला है 1st of March को। तो 1 मार्च को वो इवेंट होने वाला है एंड उसी के तहत ये राइड प्लान की गई है। उसी के तहत हम लोग आज छोटी सी राइड कर रहे हैं एंड वो इवेंट का बहुत अच्छा प्रमोशन भी हो जाएगा। एंड इवेंट कहाँ पे होने वाला है, किस तरह से उसका कंप्लीट सेटअप रहेगा, गेस्ट वगैरह कौन कौन आने वाले हैं, वो सभी चीज़ें अभी तक प्रॉपरली अनवील नहीं हुई है। तो धीरे धीरे ओके वो भी कम्प्लीटली अनवील हो जाएंगी, इस तरह से कुछ है ये प्लान। भी काफ़ी थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भागा एक सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए अभी निकलते हैं आगे में, पहले बाइक लाइनअप करा लेते हैं। तो अराउंड 110 राइडर आज है, 110। एंड गाइस वी आर गोइंग टू फॉलो सम रूल्स। तो रूल्स कुछ ऐसे हैं, कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा, कॉम्बिनेशन में राइड करेंगे। पार्टनर साहब जस्ट क्रॉस कर दिया है।
गाइस फाइनली डेढ़ घंटा राइड करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टाइगर सिटी रिजॉर्ट पे। आज मेरे साथ अनिकेत भी है एंड यू कैन सी बिहाइंड मी बहुत सारे बंदे हैं यार। अनिकेत कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि मतलब राइड करते जाओ रुके ही ना। और तो गाइस कैसा लगा अभी आज? मजा आ गया बहुत। यहाँ पे जब हम लोग राइड कर रहे थे तो प्रॉपरली कॉम्बिनेशन में राइड किया, सभी ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए, 2x2 के कॉम्बिनेशन में चला रहे थे, किसी ने भी ओवरटेक नहीं किया। किसी को ओवरटेक करने की इच्छा हो रही थी? रूल्स फॉलो कर रहे थे हम लोग, तो मजा आ गई। अभी यहाँ पे पहुंच के अभी यहाँ पे थोड़ा सा चिल आउट मारेंगे और अभी आगे में क्या चीज सीन होने वाला है, कैसा क्या प्लानिंग है, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे में समय बीतता जाएगा तो हमें एक मोटोफिलिया के बारे में जो कुछ भी चीजें है वो आगे में रिवील होते जाएंगे। सिनेमेटिक शॉट लिया हाथ पे और बहुत थक गया मैं, मजा आ गया बहुत। ये सब चीजें करने में बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो नेक्स्ट आई वुड कॉल अपॉन जीएस मोटो वर्ल्ड। रिसेंटली ही हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन एंड वी ऑल फॉलो हिम फ्रॉम सिंस द बिगिनिंग आई गेस। And like I just met him in person for the first time, GS Motoball. Hello guys. पिछले दो साल से मैं मेरा YouTube चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ एंड नागपुर में शायद मैं पहला मोटो व्लॉगर था, प्रोबेबली, मुझे कन्फर्म नहीं है, बट अभी रिसेंटली हमने गोवा राइड की, काफ़ी अच्छे वीडियोज बने एंड कंटिन्यूसली मेरा यही रहता है कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, न्यू बाइक्स या फिर स्कूटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर कर पाऊँ, तो ये कंटिन्यूसली चलती ही रहेगा। एंड जब से अभी मैं शार्दुल भाई से मिला हूँ उसके बाद मैं राइडिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। मोटो व्लॉग्स वगैरह भी चालू है हमारे अपने चैनल पे, तो अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर्स आए होंगे मेरे को फॉलो करते तो थैंक यू गाइज यहाँ पे आने के लिए, वो एक बंदा है। एंड मोटोफिलिया काफ़ी अच्छा इवेंट है। लास्ट टाइम मैं मोटोफिलिया टीम के साथ एक इंटरेक्शन मेरा हुआ था बट कोई प्रॉब्लम के वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया, बट इट्स द ये बार इस समय मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ और काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस हमें आगे में मिलने वाले हैं, तो मैं होप करता हूँ कि ये एक माइलस्टोन क्रिएट करेगा अपने सेंट्रल इंडिया में एंड एक अच्छा इवेंट सभी के लिए रहेगा, एक अच्छा गेट टुगेदर भी रहेगा। तो गाइस प्लीज जो मेरे चैनल को भी चेक कीजिए एंड मोटोफिलिया में सभी लोग आइए, थैंक यू। सो दैट वाज जीएस मोटो वर्ल्ड। यूट्यूबर्स का तो लाइक हम लोग ने लास्ट ईयर भी बुलाया था पावर ड्रिफ्ट को, जोहर अहमद एंड हाँ मतलब दो ही लोग थे, तो ओके गाइस तो आज बहुत एंजॉय किया हमने, मोटोफिलिया की बहुत सारी चीजें अनवील हुई। ओके गाइस तो आज के राइड में बहुत मजा आया, अभी हम लोग निकल चुके हैं रिटर्न के रास्ते में, तो रिटर्न में क्या वही रोड था और वही कॉम्बिनेशन था तो इसलिए हमने रिटर्न का शूट नहीं किया। अभी हम लोग पहुंचे हैं मानकापुर फ्लाईओवर के पास में रिटर्न के रास्ते में और यहाँ से भी सभी लोग अपने अपने घर के लिए डिवाइड हो जाएंगे, तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। एंड बिहाइंड मी शार्दुल भाई, थैंक यू बॉस फॉर द ऑल द अरेंजमेंट। एनी टाइम ब्रो। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छे वीडियो पूरा खत्म हो गया ब्रो, खत्म हो गया ब्रो, वीडियो पूरा खत्म हो गया ब्रो, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर न्यू बाइक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हो सकता है न्यू राइड के साथ भी मिल जाए।